हेलो एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड विद द डे वन ऑफ द लाइव एंड वेलकम एवरीवन। वी होप यू ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू दिस 30 डेज वन मंथ कंप्लीट कोर्स ऑफ हेयर स्टाइल बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम मंकीज मेडल मेकओवर एंड अकेडमी। एंड वी होप आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, बहुत कुछ समझने मिलेगा। एंड वी आर फाइनली स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन। वी आर रियली रियली वेरी एक्साइटेड। देयर वी हैव अंकिता गोसर इन बिटवीन अस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेशन। सेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता देंगे कि आपको कैसे पूरा ज्वाइन करना है, कैसे देखना है। सो यही आईडी पे आपको हमेशा हम लाइव दिखेंगे, आपको इसी आईडी पे लाइव में हमेशा देखने मिलेगा। इन केस आप लाइव नहीं देख पा रहे हो या लाइव नहीं देख सक रहे हो तो उसके बाद भी हम ये वीडियो सेव रखेंगे एंड वीडियो की रिकॉर्डिंग्स इसी प्रोफाइल पे आपको दिखने वाली है। ओके, एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द प्रोडक्ट्स नॉलेज। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। दैट इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट्स। तो शुरू में ही हमने सबको बताया था कि सर्टिफिकेट्स आर गोइंग टू बी एट अ चार्ज ऑफ ₹500 के चार्ज पे हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वी आर गोइंग टू गिव इट टू फ्री वो सभी लोगों को जो हमारे लिए हमारे साथ में डेली जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद उसका आपको पूरा एज अ रील कन्वर्ट करके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे आपको अपडेट करना है अलॉन्ग विद टैगिंग विद अस। हम आपको इसका भी एक छोटा वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे आपको ये काम करना है। जिनका भी 10 वीडियोज ऐसे बनेंगे पूरे वन मंथ में, दे विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्री फ्रॉम अस। सो ये पूरा एक जर्नी है 30 डेज के अराउंड का। यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देर विल बी वंडरफुल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। पूरा कोर्स जो है हमारा इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी होगा, बट मेजरली इट विल बी इन हिंदी। सो जो भी है टेक्निकलिटीज हिंदी में ही होगी, इंग्लिश में भी होगी। आपको कुछ नहीं समझ में आया है, प्लीज नोट इट डाउन। इन बिटवीन द सेशन कमेंट्स ऑफ रहेंगे, सेशन के बीच में हम कमेंट्स ऑफ रखने वाले हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर द डाउट सेशंस। सिर्फ इंग्लिश नहीं होगा, इट वोंट बी सिंपली इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट दी ओनली लैंग्वेज ओवर हियर, इट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड मेजरली इट इज हिंदी ओनली। सो प्लीज बी वेरी यू नो कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज पार्ट एज वेल। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन नाउ। इन केस इफ यू आर स्टिल या आई विल जस्ट गेट लेट यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू द रील पार्ट वेरी वेरी सून। वंस अगेन ऑल द डिटेल्स आई विल पुट इट अप। The only thing that you have to do is practice everything every day and record it. After recording it, you are going to convert it into a reel of somewhere around 30 seconds where you will be showing your work which is done over here today and in the consecutive days. And after that, you have to post it on Instagram along with tagging us and also collaborating with us. So, ye sab hoga. Hum English aur Hindi dono mein karne wale hai. English... काफी हमारा पूरा क्राउड जो है पूरा हिंदी का क्राउड है। सो हिंदी इज व्हाट इट इज एंड वी डू नॉट वांट एनीवन कमेंटिंग रियली अबाउट हिंदी और इंग्लिश। हम हिंदी और इंग्लिश के बाद बीच में बहस नहीं सुनने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी प्रॉपरली इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश समवेयर इन बिटवीन। सो प्लीज मेक श्योर वी आर नॉट गोइंग टू रियली डील अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी ओवर हियर। सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन। वी आर रियली एक्साइटेड विद दिस क्लास और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर सेशन। कैसे स्टार्ट करने का है, आज डे वन है, इट इज डे वन। कैसे स्टार्ट करना है हम आपको अभी बता देते हैं। हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे रील का, कैसे करना है आपको सर्टिफिकेट फ्री में लेने के लिए। वी विल शो दैट लेटर ऑन। लेट अस स्टार्ट विद द स्टाइल नाउ। हम अभी कमेंट बंद कर देंगे, कमेंट आपका फिर से तब शुरू होगा एंड ऑफ द क्लास में। सो पूरा वन आवर खत्म होने के बाद हम उसको शुरू करने वाले हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस क्लास, हैव अ गुड टाइम एंड
रियली रियली लर्न अ लॉट. ऑल द डिटेल्स ऑल द थिंग्स विल बी मैंशनड ओवर हियर. और जो भी डाउट्स है आप आपका बुक और पेन साथ में रखिए. कीप अ बुक एंड पेन विथ यू सो दैट यू कैन नोट योर डाउट्स एंड गेट इट क्लियर्ड. वी आर गोइंग टू गो वेरी स्लो, बहुत स्लो जाने वाले हैं हम आज. डे वन से काफी अच्छे से साथ में स्टार्ट होने वाला है. Yeah. Okay, so let's start. And just a second. Just before we start, I'm going to turn off the comments over here. We will start the comments once again after the session is almost completed. Is my voice clear first? Yeah, please just give us a detail if the voice is clear, because my voice is fine, but we want madam's voice clear. Is it clear? My voice clear? Please once comment it, yes or no. Ma'am ki awaaz barabar aa rahi hai ya nahi? Ma'am ki awaaz barabar aa rahi hai ya nahi? Iska answer dena hai aap sabhi ko. Fatafat, jaldi se dijiye. Before we stop the comments. Yes. Yes. Okay, so we have quite a few yeses coming up. Thank you so much. It is properly clear and now we are going to start with the session. Hum session shuru kar rahe. All the very best and enjoy. Yeah. So very first step, we are starting with the product knowledge. Very important part, because hame pata hona chahiye ki har ek product mein kya use hota hai har hairstyle ke liye. Kisi ki problems hoti hai तो उसको सोल्यूशन किस तरह से करना है. लाइक प्रॉब्लमेटिक्स स्किन के जैसे प्रॉब्लमेटिक्स हेयर भी होते हैं, टेक्सचर भी अलग अलग होता है, उस सब के लिए आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है. तो पहले तो हम प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे. आज जितने भी हेयर स्टाइलिंग के लिए प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका क्या यूज है, क्यों करना है यूज, वो दिखाऊंगी. एप्लीकेशन आज नहीं होगा, एप्लीकेशन में एवरी हेयर स्टाइल में एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी. आज प्रोडक्ट है तो उसका क्या यूज है, क्यों यूज करना है, आज ये तीन चीज हम सीखने वाले हैं. वेरी फर्स्ट स्टेप, जब भी हम हेयर स्टाइल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक कोम. इसके बिना हमारा काम शुरू नहीं होता है. तो ये एक चीज है, दिस इज द टेल कोम. इसकी आप ब्रिसल्स देखो, इक्वल ब्रिसल्स है. यू कैन सी दिस, इक्वल है, दिख रही है आप सभी को. इसमें भी चेक करते हैं, इक्वल ब्रिसल्स है. ये होता है एक नॉर्मल कोम जिससे आप एवरी हेयर स्टाइलिंग बना सकते हो. बट नाउ डेज जहां पे आपको बैक कॉमिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप नया कोम आया है जिसके ब्रिसल्स आप देख सकते हो चेंज है. बड़ी छोटी ब्रिसल्स में आपकी कोम मिलती. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोम, क्या यूज है ये कोम का, बैक कॉमिंग के लिए बहुत ज्यादा काम आती है. जहां पे आपकी बैक कॉमिंग में प्रॉब्लम होती है वहां पे आपका ये कोम आपको हेल्प करता है. तो अगर आपके पास ये है तो भी आप काम कर सकते हो. बट अगर आपके पास कोम होने के बाद बैक कॉमिंग नहीं हो पा रही है, देन यू गो फॉर दिस. दिस इज द कोम. आपको ये कोम के ब्रिसल्स दिख रही है, दोनों कोम में क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है. तो ये दो कोम हो गए हमारे पास पीछे के. इस तरह का कोम आपको यूज करना है. फर्स्ट वेरी थिंग इन योर टूल बॉक्स, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको अभी, ये जो मेरे पास एक टूल बॉक्स है. सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी हम हेयर स्टाइलिंग के लिए जाएंगे तो एक ऐसा टूल बॉक्स आपके पास होना चाहिए जिसमें बॉबी पिन, यू पिन, सेक्शन क्लिप, कोम, एवरी सिंगल डिटेल आपके पास होनी चाहिए. तो इसमें मेरे पास क्या क्या है, आपके पास क्या होना जरूरी है, वेरी फर्स्ट थिंग मैं उसका नॉलेज दूंगी. दो कोम तो हो गए, अब इसके बाद वी हैव थर्ड कोम. जहां पे दिख रहा है आपको ब्रिसल सेम है, कम ज्यादा वाली जो मुझे बैक कॉमिंग के लिए काम आएगी, और ये एक अलग कोम है. सी यहाँ पे और यहाँ पे कितना फर्क है कोम में. तो ये वाला कोम, ये तो टेलीकोम है, नॉर्मल सेक्शन निकालने के लिए काम आ जाता है. तो ये क्या कोम है जो आपको यूज होगा. तो अब मैं जहां पे आ गई हूँ एडवांस वेरिएशन की तरफ, जहां पे मैं रशियन टेक्निक यूज करने वाली हूँ, पुलिंग करने वाली हूँ, स्प्रेडिंग करने वाली हूँ. तो नीचे तो बेस मेरा बैक कॉमिंग होता है या स्प्रेड करना होता है, तो किसी के बालों में इवन स्प्रेड नहीं हो पाता है. तो हमें उसको क्लियर करने के लिए फॉग कोम काम आता है. इसका यूज कैसे करना है मैं प्रैक्टिकली क्लाइंट मेरी मॉडल पे करके भी बताऊंगी, एंड इट्स वेरी यूजफुल. ये कोम आपके पास होना जरूरी है. दिस इज द फॉग कोम. एक कोम आप दोनों में से कुछ भी एक ये रखो और दूसरा ये एक कोम आपके पास होना चाहिए जब आप किसी क्लाइंट को एडवांस वेरिएशन देने वाले हो तब. दिस इज द कोम ऑफ फॉग कोम. दिस इज द थ्री टाइप ऑफ कोम विच वी हैव इन आवर बॉक्स, टूल बॉक्स, राइट. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, देन सिंगल. फर्स्ट थिंग क्या हो गया हमारा, कोम. सेकेंड थिंग बॉबी पिन्स,
बॉबी पिंस में आपके पास एक स्मॉल होनी चाहिए और एक बिग वन, बिग एंड स्मॉल बॉबी पिंस। बिग कैसी होनी चाहिए और स्मॉल कैसी होनी चाहिए? दिस इज माय स्मॉल बॉबी पिन एंड दिस इज माय बिग बॉबी पिन विदाउट डॉटेड। यू हैव टू ब्रिंग विदाउट डॉटेड बॉबी पिन। व्हाई? जब भी हम किसी के हेयर में डालते हैं और स्प्रे हो गया है तो जब निकालेंगे तो वो डॉट में आपके हेयर वापस नहीं आने चाहिए, इजीली स्मूथली वापस आनी चाहिए। और आपकी क्वालिटी भी मैटर करती है, जब मैं ओपन करती हूँ तो ये खुलना नहीं चाहिए। किसी किसी की कैसे ओपन करते ही खुल जाता है या ओपन करते ही खुलता ही नहीं है, इतनी टाइट भी होती है। तो मेक श्योर आप एक हाथ से बालों को भी पकड़ सको और एक हाथ से आप ये खोल के आप डाल भी सको, इतना लूज बट आपका खोला है तो वो ओपन नहीं हो जाना चाहिए। तो ये आपकी दो बॉबी पिन। अगर मेरी बिग बॉबी पिन मेरे फर्स्ट फिंगर की देखो आप साइज देखो इतनी है तो स्मॉल कितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी छोटी। दोनों के फिंगर की साइज मैं आपको साइज दिखा देती हूँ ताकि आपको जजमेंट आएगा। सी राइट, दो साइज इनफ है। दो साइज क्यों रखते हैं? जहां पे हम पफ वगैरह बनाते हैं, किसी के बालों में वॉल्यूम ज्यादा होता है तब हम छोटी 8 पिन यूज करने की जगह पे बड़ी 3 से 4 पिन में काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो क्लाइंट के पास से कभी वापस नहीं आती है, तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट यूज करनी है कि कम से कम पिन जाए और रिटर्न ना आए तो भी फिकर ना हो। राइट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बॉबी पिंस। नेक्स्ट वन इज यू पिंस, थर्ड यू पिंस। जब हम पहले वर्क करते थे सिंपल, जब रशियन टेक्निक नहीं आई हुई थी तब हमारे पास सिर्फ छोटी वाली इनविजिबल यू पिंस हम यूज करते थे, मे बी 2 नंबर यूज करते थे या उससे भी छोटी वाली आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज द 2 नंबर साइज, ये 2 नंबर की साइज की यू पिंस है। ये आप कहीं पे होल्डिंग करना है, कहीं पे मेसी लुक करना है, ये सब काम करने हैं तब आप यूज कर सकते हो। तो सी एक होती है ये 2 नंबर की, इसके बाद एक होती है एकदम छोटी इनविजिबल, कैसे मोल्ड नहीं कर सकते आप इसको, मोल्डेबल नहीं काम आती। ये इनविजिबल कैसे होती है? आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो, इसको मोल्ड कर सकते हो, इसको आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, लॉकिंग भी कर सकते हो। दिस इज द इनविजिबल यू पिन। ये कहां पे काम आएगी आपकी इनविजिबल यू पिन? जब आप किसी के हेयर में फ्लावर प्लेसमेंट करते हो, जिप्सी के छोटे छोटे प्लेसमेंट करते हो, तो आप क्या करते हो? जिप्सी पकड़ के बॉबी पिन डालते हो? नहीं, इसको जिप्सी में फिक्स करके जिप्सी के साथ बालों को इस तरह से लॉक कर दो, तो आप बालों में कहीं पे भी 1, 2, 3 ओपन हेयर के लिए आप यूज कर सकते हो। डोंट वरी, ये सब हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसका कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ इसको काम आता है। बट आई जस्ट नॉलेज कि ये आपकी एक स्मॉल इनविजिबल यू पिन, दिस इज द 2 नंबर यू पिन। इसके बाद जब मेरे पास एक एडवांस वेरिएशन स्टार्ट होता है, जब मुझे पुलिंग टेक्निक करनी है तब होल्डिंग के लिए मेरे पास ये 7 नंबर की यू पिन होनी चाहिए। 7 नंबर यू पिन इज माय फिंगर साइज यू पिन, फर्स्ट फिंगर साइज यू पिन। एंड कभी भी कोई भी इसमें आपको डॉट नहीं लेना है और बने उतना हल्का रखिए पिंस को, वेट में नहीं होना चाहिए, इट्स लाइट वेट होना चाहिए। बिकॉज कभी भी किसी के हेयर में डालते हैं तो इट्स लाइट वेट, हमें भी यूज करने के लिए इजी हो। ओके, दिस इज द 7 नंबर यू पिन। एंड और स्प्रेडिंग के लिए आपको काम आता है 9 नंबर यू पिन। व्हाट इज द 9 नंबर? दिस इज माय 9 नंबर यू पिन। सी द डिफरेंस बिटवीन द 7 नंबर एंड द 9 नंबर, इतना बड़ा डिफरेंस है 7 और 9। तो ये मेरी पुलिंग के लिए काम आएगी जहां पे मैं पुल करती हूँ हेयर को, ये मेरी स्प्रेडिंग के लिए काम आएगी जहां पे मैं हेयर को स्प्रेड करती हूँ। स्प्रेडिंग क्या होता है, पुलिंग क्या होता है, ये एडवांस टेक्निक है, अगर किसी को नहीं पता है डोंट वरी, वी आर डूइंग एवरी सिंगल डिटेल इन अ प्रैक्टिकल मोड। प्रैक्टिकली सब कुछ हम हेयर पे करके देखने वाले हैं। तो आज सिर्फ आपको 2 नंबर, 7 नंबर और आपके पास 9 नंबर की यू पिंस होनी चाहिए, ये 3 यू पिंस अवेलेबल होनी चाहिए। देन रबर बैंड, फोर्थ वन इज रबर बैंड। रबर बैंड कैसा टेक्सचर होना चाहिए? चेक इट आउट योर टेक्सचर ऑफ रबर बैंड, इट शुड बी रफ टेक्सचर। व्हाइट कलर की रबर बैंड
ब्लैक एंड व्हाइट। क्या होता है कभी कई बार हम क्लाइंट के इस पे जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी व्हाइट हेयर आ जाते हैं, एजेड मेच्योर रहते हैं, तो ब्लैक रबर बैंड डालते हैं तो दिख के आ जाती है। तो आप उसके जगह पे इनविजिबल रबर बैंड भी आती है मार्केट में, वो अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हो। मेनी टाइम्स हम ज्वेलरी वेयर करवाते हैं तो उसको टाइट करने के लिए भी हम ये इनविजिबल रबर बैंड यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ज्वेलरी को टाइट करने भी आप यूज कर सकते हो। तो ये दो साइज की, दो अलग अलग कलर की रबर बैंड रखो, व्हाइट इनविजिबल है और एक ब्लैक है। टेक्सचर कैसा होना चाहिए? हाउ इज द टेक्सचर? जब भी आप खींचो और वापस से लेके हो तो वो शेप उतना ही रहा। दिस इज द परफेक्ट शेप बिकॉज इससे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर ये खुल के खुल गया तो कुछ काम करनी। और नायलॉन जो आप इम्पोर्टेड रबर बैंड होती है जो बच्चों को डालते हैं वो यूज नहीं करनी, उससे पोनी क्या हो जाएगी, लूज हो जाती है। वी वॉन्ट पोनी, जब भी हम बनाए रबर बैंड से पोनी एकदम टाइट रहे। इसके लिए हमें ये अच्छी क्वालिटी लेनी है और रफ टेक्सचर। हाथ लगा के देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है हाथ लगाओ, फील दिस रबर बैंड टेक्सचर। ओके, दिस इज द रबर बैंड। देन मूविंग विद द सेक्शन क्लिप, we want two type of section clip, one each which is small, एक small होती है और एक big section. Sectioning करने काम आएगा whenever we are working with the real flower on real hair, तब भी आपकी ये section clip आपको काम आने वाली है, big and small. Fifth part, section clip, big and small. स्मॉल वन तो बहुत कम काम आएगी, बिगर वन आपकी और एक जगह पे काम आएगी जहां पे आप ओपन हेयर में कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स को होल्डिंग करने के लिए भी आपके पास कम से कम 20-30 सेक्शन क्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। तब आप लेयर बाय लेयर जब उनके हेयर में करोगे कर्ल्स, उसको होल्डिंग करना है, फिर आपको उसको ओपन करना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तो इसका आपको एटलीस्ट 20-30 पीसेस साथ में रखिए। देन नेक्स्ट, देन आई हैव नेट, सिक्स्थ वन नेट। एक स्मॉल होती है और एक बिग साइज होती है। स्मॉल, दिस इज माई स्मॉल साइज, जस्ट दिस इज माई स्मॉलर। देखो ये इतनी ही शेप देगा, इससे बड़ा आप नहीं कर सकते। किसी का हमने बन बनाया रेडीमेड तो स्टफिंग के हेल्प से बनाएंगे तो उसको सिर्फ अगर बाल निकल रहे हैं तो सिर्फ ओवरलैप करने का काम आएगा। ये शेपिंग कुछ चेंज नहीं करना, बड़ा होगा ना छोटा होगा, ये इतने ही शेप में। आपको बन बड़ा बनाना है तो ये नहीं करेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी ही है खींचने की। इसके लिए दूसरी आती है एक इनविजिबल, सी इट्स अ बिग साइज इनविजिबल। ये काम आती है जब ऑन हेयर पे आप बैक कॉमिंग करके राउंड शेप का बन बनाते हो, तब रियल हेयर पे आपको जब वर्क करना है डिजायर राउंड शेप, ओवल शेप, एनी शेप आपको क्रिएट करना है, तब आपके पास ये बिग साइज की नेट होनी चाहिए। Whenever you are working with the real hair bun, then that time you have to use the big size. मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी कि ये stuffing हम घर पे बना सकते हैं, हम हमारी तरफ से बना सकते हैं, मार्केट से लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये सब चीजें के लिए भी आपके पास ये नेट अवेलेबल होनी चाहिए, तब आप आपका डिजायर राउंड बना सकते हो, ओवल बना सकते हो, यू कैन क्रिएट एनी शेप। तो कब कर पाओगे? When you are doing Whenever you have this type of net, तो ये मैं सिखाऊंगी आपको कि इसका यूज किस तरह से आपको करना है। ओके, सो ये दो चीजें हो गई। देन ये वुडन स्टिक, वुडन स्टिक का यूज जब आप पफ में पोलिंग करने वाले हो, होल्डिंग करना है, तब पफ को होल्डिंग के लिए काम आएगा। फ्रंट में लेयर बाय लेयर वर्क करते हो तो दो लेयर के बीच में गैप करने का काम आता है। बहुत जगह पे एडवांस वेरिएशन जब भी आपको करना है तब आपकी होल्डिंग के लिए ये वुडन स्टिक आपको काम आती है। दिस इज दी वुडन स्टिक। एट वन पेडल ब्रश। तो यहाँ पे पेडल ब्रश में आपके पास एक स्मॉल एंड एक बिग, दो साइज के पेडल ब्रश होने चाहिए, विच इज वेरी यूजफुल इन आवर टूल बॉक्स। ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। दिस वन इज योर टेंगल फ्री। जब आप बैक कॉमिंग करते हो किसी के बालों में या किसी के बालों में हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो टेंगल होना तो नहीं चाहिए 100%। बैक कॉमिंग को रिमूव कैसे करोगे? तो बैक कॉमिंग रिमूव करने के लिए ये स्मॉल
पेडल ब्रश होता है, और दिस इज ये होता है स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए काम आता है। ब्लो ड्राई करेंगे हेयर स्टाइल स्टार्ट करने के पहले, इससे आपका ब्लो ड्राई नहीं होगा, इससे आपके हेयर में बैककॉम्बिंग रिमूव नहीं होगी। ये पर्टिकुलर प्रॉपर साइज है, ब्रश ही उस तरह से बना है, आपके हेयर टूटे बिना उनके बैककॉम्बिंग को ओपन कर सकते हो। एंड दिस इज ब्लो ड्राई ब्रश, बिग ब्रश, स्मॉल पेडल ब्रश एंड बिग पेडल ब्रश, क्लियर? स्मॉल फॉर ओपनिंग योर बैककॉम्बिंग एंड बिग साइज पेडल ब्रश इज फॉर ब्लो ड्राई। बट ब्लो ड्राई के वक्त आपके पास दो टाइप के ब्लो ड्राई के ब्रश होने चाहिए, एक होना चाहिए फ्लैट, एक होना चाहिए राउंड। अगर आपके पास फ्लैट नहीं भी है, आप पीछे के साइड बैक साइड भी ये एक ही ब्रश यूज करके भी आप ब्लो ड्राई कर सकते हो। बट जब भी मैं फ्रंट में ब्लो ड्राई करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रंट में ब्लो ड्राई किस तरह से होता है, तब मेरे पास ये बिग मीडियम साइज का राउंड ब्रश कंपल्सरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका रीजन है कि मैं जब भी हेयर स्टाइल करती हूँ, मेरे को हेयर कैसे चाहिए होते हैं, बाउंसी टेक्सचर चाहिए। अगर मैंने फ्लैट कर दिया आगे तो मेरा हेयर टेक्सचर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पर बैक कॉम्बिंग करके उसको उठाना पड़ेगा। बट कई बार होते हैं क्लाइंट की जो बैक कॉम्बिंग करने भी अलाउ नहीं करते, ब्लो ड्राई अलाउ करते, या आपको सिंपली उनको स्टाइल देनी है तो आपने फ्लैट कर दिया तो उनको स्टाइल कैसे दोगे? सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई से भी हेयर स्टाइल होती है, तभी आपके पास ये राउंड शेप का ब्लो ड्राई होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए जिससे आप ब्लो ड्राई कर सकते हो फ्रंट के लिए, स्पेसिफिकली फ्रंट के लिए ये वाला कॉम। और इसके ब्रिसल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, ग्रिपिंग वाले अच्छे होने चाहिए, ठीक है? सो एक कॉम है जिससे बोलते हैं ना कि ये बैक कॉम्बिंग के लिए स्पेसिफिकली काम आता है, बट बैक कॉम्बिंग से ज्यादा सभ्यसाची जैसा लुक, एकदम फ्लैट लुक होता है तो आगे की तरफ फिनिशिंग नहीं आती है। तो व्हाट विल डू, यहाँ पे हम स्प्रे करके, सी अभी मेरे बाल में टेक्सचर नहीं, अब मैं इसको अच्छे से कॉम करूंगी तो ये जो भी बेबी हेयर रहेंगे या अनइवन रहेंगे, सी द टेक्सचर, एकदम फ्लैट परफेक्ट टेक्सचर करने के लिए ये वाला फिनिशिंग लेयर के लिए काम आता है। ऊपर के साइड जब फिनिशिंग कर, ये ब्रश कैसे अंदर नहीं जाएगा बालों में, इससे करोगे तो ये बाल अंदर जाएंगे तो ये काम नहीं आएगा। जब आपको फ्लैट लुक में वर्क करना है तो ये आप तब ऊपर की साइड में ऐसे करके यूज कर सकते हो, ये कैसे ऊपर के लेयर को भी ब्रश रख करेगा, बेबी हेयर जो भी रहेंगे उसको एकदम फ्लैट और स्मूथ करने का काम करेगा, ठीक है? ये हो गया कॉम के बारे में और पेडल ब्रश के बारे में सब कुछ। एक होता है एक नीडल, नीडल क्यों जरूरी है, मांग टीका डालने के लिए। सपोज आपने कभी भूल गए हो मांग टीका डालना और बाद में पफ के बाद डालना है तो कैसे जाएगा, पूरा पफ तो नहीं खोलोगे, तो क्या करना है आपको, इससे थ्रेडिंग से आपको अंदर डालना है। ये कैसे डालना है हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है? बस अभी के लिए इतना ही कि आपके पास एक नीडल होनी चाहिए जिसका ये होल है ना पर्टिकुलरली बड़ा रखो, बिकॉज हम जब वर्क करते हैं हम इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि छोटे होल में डालने के लिए हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है, तो वो थ्रेड भी हमारा मोटा होता है और ये पतला रहेगा तो आप डाल ही नहीं पाओगे। तो ये साइज आपकी प्रॉपर बड़ी प्लास्टिक क्यों यूज करनी है, बिकॉज क्या होता है हम इतने गाय में रहते हैं ना कि थपाक से डालते हैं और स्किन में स्काल्प में लगने का चांस रहता ही है। मेक श्योर प्लास्टिक वन यूज करो एंड बिग साइज होल यूज करो। दिस इज द नीडल फॉर माम टीका। तो ये हो गए मेरे पास जो एक टूल बॉक्स में होना चाहिए ये सारी चीजें, ओके? अब नेक्स्ट थिंग होती है, मैं जब भी एक हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो मेरे को एक बन के लिए पर्टिकुलरली स्टफिंग लगते हैं, वेस्टर्न के लिए पर्टिकुलरली स्टफिंग लगते हैं। जब मुझे उनके बालों में डेंटिसिटी कम है तो मैं क्या करूंगी कि डायरेक्टली मैं ऐसे आर्टिफिशियल स्टफिंग यूज करूंगी। अभी सपोज मेरे बालों में अगर मुझे कुछ वेरिएशन भी करना है, नीचे बन भी चाहिए, मुझे सपोर्ट भी चाहिए, तो मैं मेरे बालों का सपोर्ट बनाऊंगी तो ऊपर क्या करूंगी, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं तभी ऐसा बाल लगा देते हैं और उसके ऊपर रियल हेयर का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज दी स्टफिंग विच वी रिक्वायर टू साइज ऑफ स्टफिंग, वन विच इज स्मॉल फॉर बन, वन विच इज बिग फॉर वेस्टर्न हाइडो। स्मॉल वन बन स्टाइल, बिगर वन फॉर वेस्टर्न हाइडू,
एंड दिस इज अगेन दिस इज द ओवल शेप फॉर बन. बन नॉट यूज इन पफ. पफ के लिए ये यूज नहीं करना है. बहुत लोग यहाँ पे रखते हैं और उसके ऊपर से बाल ले लेते हैं पफ के लिए. और पफ क्या होता है, पफ आपको इतना ही चाहिए उसकी जगह पे पफ इतना बड़ा बन जाता है. तो पफ के लिए ये यूज नहीं होता है. सो यहाँ पे मैंने तीन दिखाए, एक दो तीन, स्मॉल राउंड, बिग राउंड एंड वन विच इज ओवल. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, ये ओपन रूप है, यहाँ पे बड़ा ऐसे डोनेट अवेलेबल है मार्केट में राउंड शेप के. ये कहाँ पे यूज होंगे, मैं पर्टिकुलरली बन के लिए बहुत कम यूज करती हूँ. ये आपका वेस्टर्न मेसी लुक जैसे वेरिएशन आपको करने हैं तब आपका ज्यादा यूज होगा. इसके अलावा इसको ही हम ओपन करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, इसमें स्पेस रहता है. यहाँ से आप खोलोगे तो ये पूरा ओपन होके ऐसा बन जाएगा. इसका यूज मैं कहाँ करूंगी, मरमेड में बेस बनाने के लिए इसका यूज मैं कर सकती हूँ. तो ये यूज तभी बहुत ज्यादा है. तो ये छोटा साइज है तो आपको छोटे साइज को कभी भी खोलना नहीं है, बिकॉज जैसे साइज छोटा होता है इसके जो नेट होती है ना, ये नेट है बहुत छोटी और टाइट होती है. आपको इससे सबसे मैक्सिमम बड़ा साइज आता है डोनेट में वही ओपन करना है, बिकॉज बड़े डोनेट का ये जो होल्स पार्टिकल होते हैं और ये सॉफ्टनेस होती है बहुत सॉफ्ट होती है. इसी में आपकी पिन जानी चाहिए, राइट. मर्मेड में हम ये बेस के लिए यूज करते हैं तो अगर मेरी पिन ही नहीं जाएगी तो काम नहीं आता है. तो ये कौन सी साइज आपको ओपन करनी है, दिस इज द साइज, ये इस साइज का होना चाहिए ताकि इसमें ऐसे भी बड़ा मिले और ऐसे भी बड़ा मिले. और ये आप कटिंग करके तीन चार बना सकते हो, इसका ये तीन बनेगा टोटल, तीन जन को आप यूज कर सकते हो. सी इट इज वेरी सॉफ्ट एज कम्पेयर टू दिस, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है छोटा वाला और ये बड़ा साइज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है. ऑलवेज यूज दिस फॉर ओपनिंग, इससे ही आपको ओपन करने से, यहाँ से आपको ये ओपन करोगे ना तो ये पूरा ओपन हो जाएगा. और वापस से अगर नहीं चाहिए आपको राउंड में यूज करना है तो इसको आप इस तरह से टर्न कर दो वापस से, आप उसको राउंड शेप में भी यूज कर सकते हो. राउंड करो तो राउंड बन जाएगा भी और खोलोगे तो ये स्ट्रेट बन जाएगा. तो दोनों तरह से इसको आप यूज कर सकते हो. इसका देखो अगर बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए तो मैं उसको कट कर दूंगी ना तो ये छोटा साइज बन जाएगा, बट ये कैसा रहेगा, सॉफ्ट तो रहेगा. तो इसको मैं ओपन के लिए भी यूज कर सकती हूँ और मर्मेड स्टाइल के लिए बेस के लिए भी यूज सकती हूँ. क्लियर, ठीक है ना. ये तो हो गया मेरा स्टफिंग रिलेटेड. इसमें राउंड, स्मॉल, बिग एंड वन विच इज लॉन्ग, ओके, एक ही साइज बस हो गई. ठीक है ना, एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाल कम है तो मैंने बोला कि मुझे मेरे बालों में मैं बन नहीं बना सकती और उसके ऊपर वेरिएशन के यूज नहीं कर सकती. अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ. सी, मुझे इसके बालों में क्रिएशन करना है, बन के ऊपर ऐसे बाल चाहिए मुझे क्रिएशन के. अब मेरे पास अगर बाल ही कम है तो मैं क्या इसका बन बनाऊंगी, क्या इसके लिए ऊपर वेरिएशन के लिए रखूं, तो मैं क्या करती हूँ, नीचे ये लगा के, सॉरी छोटा वाला लगाएंगे, स्मॉल साइज लगा के ये वाले को हम यूज कर सकते. बट अगर क्लाइंट के हेयर में क्रिम्पिंग करने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूंगी, ये वाले बन, इसको मैं बन बना दूंगी. तो ऊपर बाल वेरिएशन के लिए कहां से यूज करूं, तब मेरे पास ऑप्शन आते हैं ऊपर खुला हो, ऐसे आर्टिफिशियल अवेलेबल होते हैं ओपन, आर्टिफिशियल पोनी या हेयर है ये जो मैंने बनाया हुआ है, तो ये हम घर से बना के जा सकते हैं डायरेक्टली बन के ऊपर, ये हम प्लेसमेंट कर सकते हैं, डिजायर शेप हम बना सकते हैं. तो ऐसे आप जब भी आपके पास टाइम नहीं है, व्हेनेवर यू डोंट हैव टाइम टू क्रिएट सच थिंग एट दैट टाइम, तो आप ये घर से रेडी करके जाओ, सीधा सीधा आप उसको इस तरह से प्लेसमेंट कर दो. ये प्लेसमेंट भी देखेंगे हम कि किस तरह से फटाफट से करके लगाना है, ओके. सी, इस तरह की
ये आती है, ये बिग साइज है, ये स्मॉल साइज है, दिस इज द स्मॉलर साइज। ये आपकी बैक साइड में काम आती है ब्रेड बनाने के लिए, जहां पे आपके बाल छोटे हैं और उसको लंबी छोटी चाहिए, तो ये वेरिएशन के लिए काम है। यही इसका स्मॉलर वर्जन है, जो आप बन के लिए वेस्टर्न के लिए ऊपर की तरफ लगा के रख सकते हो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। दिस इज दी साइज, दो साइज में मार्केट में अवेलेबल है। और ये कैसे वॉशेबल है, आप इसको क्रिम कर सकते हो, आप इसको डिजायर शेप में बना सकते हो। आपका ये खराब कैसे, रेडीमेड में भी ये अवेलेबल होते हैं, मार्केट से रेडीमेड लेने जाते हैं, बट वो आप ओपन नहीं कर सकते, वो फिक्स वाले रहते हैं। तो क्या हो जाता है, एक बार क्लाइंट को डाला, पिंडा निकाले, उसने पूरा खराब करके रिटर्न दिया, जो वेस्ट ऑफ मनी। तो ऐसे लोग, और आप क्रिएटिविटी सीखो कि एक बार क्लाइंट के पास गया, खराब हो गया, इसको वापस से ओपन कर दो, बहुत ज्यादा खराब हो गया, वॉश करके क्लीन करके वापस यूज कर सकते हो। इट्स अ वन टाइम योर इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन यूज इट एज मच एज टाइम यू कैन। ओके, हाँ, तो मैंने बताया अभी कि इसके पहले कि आपको ऐसे स्टफिंग बन के लिए यूज नहीं कर सकते, पफ के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं किससे हाइट लू, फिर मैं यूज क्या करूं जिससे मुझे हाइट चाहिए, कब यूज करना है। मैं एक तो ये स्टफिंग क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि बालों क्लाइंट के बाल में वॉल्यूम कम है, तो मुझे ये डालना पड़ता है वॉल्यूम के लिए। तो ये नहीं यूज करके आपको क्या यूज करना है, इसका सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट आता है ये हेयर फाइबर, इट्स कॉल्ड हेयर फाइबर। ये कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी, ये हम घर पे बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी, 2 मिनट का काम है सिर्फ। ये कितने अलग अलग 10-15 ऐसे बना के रख दो, तो ये जब भी एक साथ मर्ज होता है तब आपका ये बन जाता है। बट ये एक साथ यूज करने से बेटर है, मैं बोलूंगी कि आपको जितना लेयर बनाना है, जितनी हाइट चाहिए, आप उतना एड ऑन करो। तो ये एड ऑन किस तरह से करना है रियल हेयर में पफ के बाद, दैट आई विल शो यू व्हेनेवर वी आर डूइंग पफ सेक्शन। ओके, दैट अभी के लिए सिर्फ ये हेयर फाइबर है, ये याद रखो। 10th वन, हेयर फाइबर, ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक की सारी चीजें क्लियर। ओके, प्लीज नोट डाउन, और इसको मैं अभी दूसरी चीज में हम डिवाइड करेंगे स्प्रे के साथ में। एक बार कमेंट ऑन करना और कुछ क्लियर। आप सभी को ऑनलाइन में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें। वापस से एक बार रिपीट करती हूँ, फर्स्ट स्टेप कोम, बॉबी पिन, यू पिंस, रबर बैंड, क्लिप्स, नेक्स्ट वुडन स्टिक, निडल, स्टफिंग, हेयर फाइबर, बेसिक चीजें है, ये बेसिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर, कोई कमेंट आंसर्स आ रहे हैं? यस यस यस। मूव ऑन करें आगे। अब आता है स्प्रे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्प्रे। सो स्प्रे, जब हम पहले वर्क करते थे तब हमारे पास सिर्फ कौन सा होता था, नोवा का माइल्ड स्प्रे। कब चलता है ये स्प्रे, जब भी आपको कोई कूलिंग नहीं करनी है, कोई स्प्रेडिंग नहीं करनी है, कोई एडवांस टेक्निक यूज नहीं करनी, सिंपल पफ करना है, सिंपल फ्लैट लुक करना है, तो ये करता है। बट आप इसमें अगर आप कूलिंग करोगे और उसको टिका के रखनी है, तब आपके पास क्या होना चाहिए, हार्ड स्प्रे। सबसे पहला स्प्रे आता है नोवा गोल्ड, जो नॉर्मल है, नॉर्मल माइल्ड। ओके, अभी आते हैं, जब भी एडवांस टेक्निक यूज करूंगी मैं, एडवांस टेक्निक का यूज करूंगी, तभी मेरे पास दो स्प्रे हो जाते हैं, एक होता है हार्ड स्प्रे, एक होता है शाइन स्प्रे। ठीक है, अब हार्ड स्प्रे कब करना है, शाइन स्प्रे कब करना है, जब मैं वर्क स्टार्ट कर रही हूं तब सबसे पहली चीज होती है हमारा शाइन स्प्रे।
जब भी मैं एक सेक्शन लिया, मैंने फ्रंट वेरिएशन स्टार्ट करी हूँ, यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया मेरा, मेरे को इसको ट्विस्ट करना है, तो मैंने ये सेक्शन लिया, तभी यही सेक्शन पे आपको शाइन स्प्रे करना है, फिर आपको ट्विस्ट करके वर्क करना है। आपका काम हो गया, मैंने यहाँ पे बॉबी पिन लगा दी, फिर आप शाइन स्प्रे करोगे कोई मीनिंग नहीं। और शाइन स्प्रे क्यों करते हैं, जब भी मैं एडवांस टेक्निक करती हूँ तो एडवांस टेक्निक में सबसे पहले मुझे क्या कंपल्सरी करना होता है, क्या जरूरी है, क्रिम्पिंग करना जरूरी है, अभी क्रिम्पिंग की वजह से हेयर में क्या होता है, रफ टेक्सचर क्रिएट करते हैं। एडवांस टेक्निक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेयर में रफ टेक्सचर आना जरूरी है, बाउंस आना जरूरी है, एक एक बाल अलग होते हैं, तब आप जाके एडवांस टेक्निक कर सकते हो। एडवांस टेक्निक में बाल रफ हो गए तो उसको वापस से टेक्सचर को शाइन लाने के लिए हम शाइन स्प्रे करते हैं। और उसका दूसरा रीजन है बेबी हेयर, जो बेबी हेयर फ्लाई हेयर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, बिठाने के लिए भी हम शाइन स्प्रे करते हैं। तो अभी मुझे बताओ, अभी मैं वर्क हो गया उसके बाद शाइन स्प्रे मारूंगी तो कुछ मतलब हुआ नहीं ना, तो मेरा बेबी हेयर बाद में बैठेगा, जो मुझे फिनिशिंग एक एक बाल की चाहिए वो नहीं होगी। तो क्या यूज होता है, सी एक डिफरेंस बताती हूँ शाइन स्प्रे का क्या यूज है। अब मैंने कोई एक वर्क यहाँ पे, मैंने सपोज मैंने डमी पे यहाँ पे लिया, मैंने शाइन स्प्रे ही नहीं किया, सी यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले रही हूँ, मैं शाइन स्प्रे करना सपोज भूल भी गई, यहाँ पे मैंने ट्विस्ट किया, शाइन स्प्रे बिल्कुल नहीं किया, यहाँ पे जो बेबी हेयर फ्लाई कर रहे वो एज इट इज फ्लाई में रहेंगे। इसके बाद मुझे क्रिम्पिंग करना है, सॉरी पुलिंग करना है, तो पुलिंग का टेक्सचर प्रॉपरली बाहर नहीं आएगा, आजू बाजू के हेयर डिस्टर्ब होंगे, और ये जो देखो गैपिंग दिख रही है, वन लेयर गैपिंग नहीं आएगी, देखो इक्वली पुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको शाइन स्प्रे नहीं किया है, इसीलिए वो प्रॉपर लेयर आउट नहीं हुआ। यही चीज जब मैं एक शाइन स्प्रे करके करूंगी, सी अब मैंने यहाँ पे हेयर लिए, सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शाइन स्प्रे के लिए, आई सजेस्ट ओनली वन ऑसिस। सी शाइन स्प्रे को डायरेक्शन देखिए, इतना नजदीक से यहाँ पे करना है, शाइन स्प्रे होने के बाद कंपल्सरी आपको कॉम घुमाना है, ताकि जितना भी शाइन स्प्रे गया है इवनली स्प्रेड हो जाए। ये स्प्रेड होने के बाद आप चेकआउट करो, यहाँ पे जो भी बेबी हेयर थे शाइन भी आ गई, बेबी हेयर भी सेटल हो गया। अब मैं इसको ट्विस्ट करके, सी अब मेरी पुलिंग देखना, सी द पुलिंग इवन टेक्सचर इजीली, मैं इसको जितना चाहे उतना ऊपर खींच सकती हूँ, और आजू बाजू के हेयर में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दिस इज द मैजिक ऑफ शाइन स्प्रे। अब ये शाइन स्प्रे में दो शाइन स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं सिर्फ दो ही सजेस्ट करूंगी, वन विच इज ऑसिस एंड दिस इज द निर्वेल। दोनों में फर्क ये है, ये शाइन ऑयल टेक्सचर है एंड दिस इज द शाइन स्प्रे बट मैट, मैट और शाइन में समझ में आता है, जिसमें एकदम शाइनी नहीं होता है, मैट लुक। और ये अब ये दोनों में क्या काम आएगा, अब क्यों मैट यूज करना है, जब भी मुझे शाइन स्प्रे तो यूज करना है। अभी सपोज मेरे पास एक ब्राइड है जिसको मैं एक ही डेस्टिनेशन वेडिंग ब्राइड है, जिसको मुझे चार फंक्शन में यूज करना है, सपोज एक ही दिन में मेरी चार बार रेडी होने वाली एक ही ब्राइड। अब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया, शाइन स्प्रे किया, हेयर टेक्सचर क्या हुआ, थोड़ा सा ऑयली हुआ, दिस इज द ऑयल कंटेंट स्प्रे। एक बार किया ऑयली हुआ, दूसरी बार किया ऑयली हुआ, तीसरी बार ऑयल टेक्सचर आप बढ़ाना चाहोगे नहीं चाहोगे, बट आपका शाइन स्प्रे होना तो जरूरी है, तो आप तीसरी बार चौथी बार क्या करोगे, शाइन स्प्रे करोगे बट मैट वाला करोगे, है ना, नहीं तो क्या होगा, जितनी बार करते जाओगे उतनी बार ऑयल टेक्सचर, और कई बार तो क्लाइंट का नेचुरल ऑयल भी होता है जिससे बाल ऑयली हो जाते हैं, तो फिर ये आपको तब आप डिफरेंस समझोगे कि जिसके बाल ऑलरेडी ऑयली है उस पर आप ऑयल वाला शाइन स्प्रे यूज नहीं कर सकते हो, जिसके बाल मैट बहुत ज्यादा ड्राई है या ऑयल टेक्सचर है तो आप ऑयली है तो आप मैट वाला यूज करो, नॉर्मल है तो आप ये कर सकते हो, बट यूज मोस्ट ऑफ दिस ऑसिस, ऑसिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन। आप डमी पे भी यही यूज करना है, रियल क्लाइंट के हेयर पे भी ये यूज करना है। दिस इज द शाइन स्प्रे, शाइन का मतलब 50% ऑफ योर हार्ट स्प्रे, 50 नॉट 100%, 50% ऑफ योर
हार्ट स्प्रे. ओके क्लियर अबाउट दिस. अब हार्ट स्प्रे की बारी आती है तो हार्ट स्प्रे में अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. लॉट्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल है. सबसे पहले तो हमने स्प्रे में एक नोवा गोल्ड का स्प्रे देखा था. इसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्प्रे एंजोनी है. उसके बाद माइल्ड हार्ट स्प्रे में आप एंजो यूज कर सकते हो, टाफ यूज कर सकते हो. बट क्या होता है, स्प्रे में भी बोलते ना क्वालिटी होती है. स्प्रे किस से बने हुए रहते हैं, केमिकल प्लस वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन से एक स्प्रे बनता है. केमिकल है, उसको फ्लो करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, तब जाके ये फ्लो होता है. अब आप बताओ जिसकी हेयर को स्टिक करना है वन डायरेक्शन में, केमिकल ज्यादा होना चाहिए या पानी ज्यादा होना चाहिए? केमिकल ज्यादा होना चाहिए. बट ये दोनों में पानी ज्यादा है, केमिकल कम है. इसीलिए क्या होता है, आप ये यूज करते रहोगे माइट भी, तो जब आप कूलिंग को लाइन देते हो तो आप बोलते हो ना मुझे हाथ में चिपक जाता है, बिकॉज इसमें पानी का प्रमाण ज्यादा है, वाटर इसमें ज्यादा है, इसीलिए वो हाथ में स्टिक हो जाता है. आपको यूज भी डायरेक्शन वाइज करना है. अब मैंने ये डायरेक्शन में उसको खड़ा किया है, तो इसको यूज करने के लिए आपको सी इतने दूर से आपको फ्लो करना है, ताकि यहाँ पे मैं हाथ लगाऊ तो स्टिक नहीं होना. आप इतने नजदीक से करोगे, ये मैंने दूर से किया, आपको स्प्रे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना. अब मैं यही नजदीक से करूंगी, स्प्रे दिखा? तो हार्ड स्प्रे भी यूज करना है. डायरेक्शन 1 2 3 फ्लो 1 2 3 जितना चाहिए उतना. ऐसे करोगे तो एक साथ पूरा क्वांटिटी भी वेस्ट हुई, जो अननेसेसरी नहीं चाहिए था वो भी स्प्रे उसके ऊपर गया. तो आपका स्प्रे का फ्लो फिंगर के मूवमेंट पे डिसाइड होता है. जितना हैंड मूवमेंट्स बढ़ेगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना हैंड मूवमेंट्स आपका स्प्रे के ऊपर अच्छा होगा, और जो 100% जरूरी है. ये वाला स्प्रे तो आपने देखा, टाफ और एंजो. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट वन इज एंजो एंड सेकेंड वन इज योर टाफ. टाफ में 5 नंबर भी आता है, 6 भी आ रहा है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो. दिस इज माय 5+ इज 6 नंबर. ओके जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आपको ये अगर स्प्रे यूज करना है तो आप डमी वर्क के लिए यूज कर सकते हो ये, बिकॉज डमी के लिए ये दिस इज द बेस्ट. इसकी क्वालिटी अपनी रियल हेयर की क्वालिटी जैसी डमी नहीं होती. आप बोलोगे 100% मेरे जैसे बाल डमी में है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो आएंगे. बट जब मैं रियल हेयर पे वर्क करती हूँ, मेरे पास क्वालिटी वाला स्प्रे होना जरूरी है. अब इसके और इसके फ्लो में चेक करना, यहाँ के फ्लो और इसके फ्लो में. इट्स अ माइक्रो और इट्स मैक्रो. माइक्रो मतलब छोटे छोटे बिसेल्स में आते हैं, और ये मैक्रो मतलब बड़े बिसेल्स में. इसका फ्लो तो आपने देखा कितना बड़ा फ्लो आया, और इसका फ्लो देखो एकदम सॉफ्ट आता है. हाथ लगाऊंगी तो बिल्कुल भी कुछ खराब नहीं. तो दिस इज दी पी प्रोफेशनल बेस्ट फॉर रियल हेयर. रियल हेयर पे जब भी काम करोगे ऑन स्पॉट होल्डिंग के लिए आपके पास ये एक स्प्रे. डमी वर्क के लिए मैं बोलूंगी तो चलेगा, आप डमी वर्क के लिए टाफ यूज कर सकते. रियल हेयर पे भी बहुत लोग टाफ यूज करते हैं, बट आपका हैंड मूवमेंट, आपकी होल्डिंग, आपका स्प्रे पोजीशन एकदम 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तब आप ये यूज कर सकते हो. कोई खराब नहीं है यूज करने में. ठीक है, थर्ड वन. इससे भी इकोनॉमिक रेंज वाइज भी आप देखोगे तो फर्स्ट रेंज पे प्राइस वाइज देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट, सबसे लोएस्ट प्राइस में आता है टाफ सॉरी नोवा गोल्ड. उसके बाद प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एंजो, उसके बाद प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग टाफ, फिर इसके बाद बहुत सारे और भी मार्केट में अवेलेबल है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग. ऑसिस का भी है, दिस इज द ब्लैक बॉटल फॉर ऑसिस हार्ट स्प्रे. स्ट्रांग होल्ड लिखा हुआ रहता है, सुपर ड्राई होल्ड, ये भी आप यूज कर सकते हो. इसके बाद एक क्यून का आता है, ये भी हार्ट स्प्रे है, ये भी आप यूज कर सकते हो. और इसके बाद मस्त एक अच्छा है, आप निर्वेल का भी हार्ट स्प्रे यूज कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो नाइस, ये भी आप देखो इसका फ्लो भी दिख रहे हो, एकदम सॉफ्ट जाएगा, और मैट रहेगा. हार्ट स्प्रे कभी भी लोगे तो आपको हार्ट स्प्रे में मैट हार्ट स्प्रे यूज करना है, ताकि आपकी फिनिशिंग सुपर फिनिशिंग है. ये वाला हार्ट स्प्रे है वो शाइन है.
और ये हार स्प्रे है वो मैट है, ये भी मैट है एंड दिस इज ऑल्सो मैट। आपकी हेयर स्टाइलिंग में आपका शाइन देने का काम आपका शाइन स्प्रे करना चाहिए, ना कि आपका हार्ड स्प्रे करना चाहिए। तो ये दोनों स्प्रे आप निर्भर है या फिर प्रोफेशनल, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक लेके यूज कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने बताया टॉप, ये दिख रही है बटन, एक बार से थोड़ा सा टच करते हैं। निर्भर एंड प्रोफेशनल, थोड़ा दिस इज दी सबको थोड़ा सा नजदीक लाइए। ऑल द रेंज ऑफ हार्ट स्प्रे, शाइन स्प्रे मैंने बताया था कि काम करने के वक्त आपको यूज करना है, हार्ट स्प्रे आपके काम हो गया है, आपकी पुलिंग हो गई है, एट द एंड आपको यूज करना है। गलती से भी स्प्रे चेंज हो जाएंगे, शाइन स्प्रे की जगह हार्ट स्प्रे यूज हो गया तो क्या होगा, उसके बाद आपकी पुलिंग ही नहीं होगी, क्योंकि हार्ट ठीक हो गए, हेयर ठीक हो गए, फिर आप खींचोगे कैसे, नहीं चलेगा। और आपने गलती से स्टिक करने के लिए शाइन स्प्रे यूज किया तो पुलिंग गिर जाएगी, स्प्रेडिंग होगी ही नहीं, स्प्रेडिंग का लॉकिंग ही होगा। लॉक कर देना बालों को, लॉकिंग करने के लिए आपका हार्ड स्प्रे होना चाहिए, बालों को स्मूथ शाइन करने के लिए आपका शाइन स्प्रे होना। शाइन स्प्रे स्टार्टिंग में यूज करना है एंड ये क्लियर रखना, हार्ड स्प्रे एंड में यूज करना है, ठीक है। ये दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए माइंड में, कब शाइन स्प्रे होना चाहिए, कब हार्ड स्प्रे होना चाहिए। आई थिंक क्लियर, कमेंट ऑन करके क्लियर आप लिख लो, मैं हटा देती हूँ बॉटल को। क्लियर है, क्लियर। अब ये सारी चीजें हो गई कि मेरे पास एक कूल बॉक्स में क्या क्या पिंस रिक्वायर्ड है, कौन से स्प्रे होने चाहिए। अब आती है हेयर में प्रॉब्लम्स की बारी, हेयर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे, किसी के हेयर ऑयली आ गए, किसी के हेयर फ्रीजी आ गए, किसी के हेयर में बैक कॉम्बिंग नहीं हो रही है, तो क्या करें, तो सोल्यूशन क्या। ये सारे सोल्यूशन वाले प्रोडक्ट्स अभी आ गए कि मेरे हेयर बहुत सिल्की है, मैं कितना भी बैक कॉम्बिंग करूं नॉ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या मार्केट में प्रोडक्ट्स है, आज इतना एडवांस हो चुका है कि हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल है, बट आपको पता होगा तो, पता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती। तो हम अभी हर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का प्रोडक्ट्स देखते हैं। दिस इज क्लियर, मैं क्लियर करूं, बाकी है देखने का। नोवा गोल्ड मैट है क्या? हाँ, मैट नहीं है, हल्का शाइनी है। शाइन स्प्रे कौन सा है मैट वाला? निर्वेल का है। टाफ्ट का 5 नंबर कब यूज करें? होल्डिंग के लिए। चलो अभी प्रॉब्लम्स एंड उसके अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, और ये है सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू हेयर, फेस के लिए नहीं है ये सारे प्रोडक्ट, ओनली रिलेटेड टू हेयर। ये हमारा हेयर का क्लास है तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी सारे के सारे रिलेटेड टू हेयर्स के ऊपर। अब सबसे पहली प्रॉब्लम्स आती है जब मैं किसी के वर्क करती हूँ तो मुझे पफ बनाने के लिए बैक कॉम्बिंग चाहिए। अभी पफ बनाने के लिए बाल सिल्की होंगे तो बैक कॉम्बिंग नहीं होती, माइट भी आप लोगों ने फेस किया रहेगा, तो बैक कॉम्बिंग में प्रॉब्लम्स होना बिकॉज क्या, किस रीजन से, सिल्की हेयर के लिए। तो क्या सोल्यूशन है इसका, इसका सोल्यूशन है डस्ट पाउडर पर्टिकुलर टू सिल्की हेयर के ऊपर, डस्ट पाउडर यूज करना है। अब मार्केट में कितने डस्ट पाउडर अवेलेबल है, सी दिस इज द ऑसिस डस्ट पाउडर, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
ऑसिस डस्ट पाउडर, निर्वेल डस्ट पाउडर एंड दिस इज अवर कंपनी अंकिस डस्ट पाउडर। तो ये आप तीनों भी ब्रांड में से कोई भी एक ब्रांड आप यूज कर सकते हो। इधर मैं साथ में नाम भी लिखती जाती हूँ, ऑसिस, निर्वेल एंड अंकिस। ठीक है, तीन में से कोई भी डस्ट पाउडर, तीनों भी डस्ट पाउडर है, सिर्फ कंपनी अलग है। ये फर्स्ट हो गया आपका डस्ट पाउडर। अब फ्रीजी है, मतलब जिसने फ्रीजी, आपको फ्रीजी है ज्यादा कहाँ मिलेंगे, जहां पे ज्यादा करके केमिकल ट्रीटेड है रहेंगे, मतलब स्मूथनिंग किए हुए है, या कलर मोस्ट प्रोबेबली कलर वाले है। कलर वाले हेयर क्या हो जाते हैं, रफ टेक्सचर ज्यादा होता है तो टैंगल ज्यादा बनते हैं। बहुत अभी के टाइम पे इतना ट्रेंड चल रहा है कि लोग नीचे नीचे कलर करवाते हैं एंड हेयर स्पा नहीं होता है, या मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे रीजन होते हैं कि केयर नहीं होता है, तो उस रीजन से केमिकल की वजह से ये पार्ट एकदम से टैंगल हो जाता है। तो टैंगल होने की वजह से, रफ टेक्सचर की वजह से आपकी हेयर में, हेयर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉम स्मूथली नहीं घूमेगा तो आप काम कैसे करो। उनका टेक्सचर, रफ टेक्सचर से स्मूथ टेक्सचर पे लाने के लिए आपके पास सोल्यूशन है, हेयर सीरम। हेयर सीरम आप यूज कर सकते हो। इसका स्टिकर किसने निकाला? केमिकल ट्रीटेड फ्रीजी है। अभी फ्रीजी है, नीचे भी हो सकता है, अगर उसने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में किए हैं तो ऊपर फुल हेयर में भी हो सकता है। ये क्या है, वन काइंड ऑफ हेयर सीरम है जिसका ऑयल कंटेंट होता है। हेयर सीरम क्या काम आता है, दिस इज वन काइंड ऑफ ऑयल। आपको ऑयल कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, अगर हेयर स्टाइल के लिए यूज करते हो तो, ऑयलिंग करने के लिए नहीं बोलना है, हेयर स्टाइलिंग के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ वन ड्रॉप, वन टू टू ड्रॉप हाथ में लेना है। वन टू टू ड्रॉप हाथ में मल्टीप्लाई करो। अगर नीचे के बाल ज्यादा फ्रीजी है तो सबसे पहले आपका हैंड मूवमेंट्स यहाँ पे नीचे, आप ऊपर नहीं लगाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा, हेयर ऑयल का मसाज जैसा हो जाएगा। यहाँ का टेक्सचर ऑयली हुआ तो आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन, यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन, बचे हुए अगर कोई प्रोडक्ट हाथ में है तो सिर्फ ऊपर ऊपर इस तरह से आप लगा के छोड़ दें, अंदर अंदर नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट डस्ट पाउडर, हेयर सीरम। कंपनी, हाँ कोई भी कंपनी का हेयर सीरम आप यूज कर सकते हो, एनी कंपनी, एनी कंपनी। देन यहाँ पे होता है हेयर फाइबर, ये भी एक हेयर फाइबर है, मैंने इसके पहले भी पफ में डालने के लिए, वो हेयर का फाइबर है, पफ के लिए यूज होता है। दिस इज द पाउडर फॉर्म, कहाँ पे यूज होगा ये हेयर फाइबर, जहाँ पे मेरे हेयर में अगर स्कार्फ दिख रहा है तो आगे की तरफ हम पुल अप लेते तो सी यू कैन सी दिस इज द एम्प्टी पार्ट। अब ये एम्प्टी पार्ट दिखेगा हेयर स्टाइल में तो अच्छा लगेगा, स्कार्फ दिखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो हम क्या करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ पाउडर उसको हाइड करते हैं। तो स्कार्फ हाइडिंग के लिए आप हेयर फाइबर यूज कर सकते हो। स्कार्फ हाइडिंग के लिए हेयर फाइबर यूज कर सकते हो। फोर्थ प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट है मेरे पास ड्राई शैम्पू। अभी बताया कि आप जितनी बार शाइन स्प्रे यूज करते हो या किसी क्लाइंट का नेचुरली ऑयल जनरेट होता है तो हेयर में एक ऑयली टेक्सचर आ गया। अब ऑयली टेक्सचर को रिमूव कैसे करूं, हेयर वॉश के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब मेरे क्लाइंट को मैंने सुबह इतनी अच्छी क्रीम की है और रात तक उनके हेयर टेक्सचर ऑयली हो गए, तो मैं उनको बोलूंगी आप हेयर वॉश करो, फिर मैं हेयर ड्राई करूंगी, फिर मैं फुल हेयर क्रीम करूंगी, फिर मैं आपकी हेयर स्टाइलिंग बनाऊंगी। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हम इंस्टेंट ड्राई करेंगे हेयर को विद द हेल्प ऑफ पाउडर। दिस इज द वन काइंड ऑफ पाउडर, सी पाउडर, पाउडर फॉर्म है। जब मैं बालों में डालूंगी ना तो ये देखो, सी अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारा स्प्रे किया, हेयर एकदम फ्रीजी हो गए, या बहुत ज्यादा शाइन स्प्रे किया तो हेयर ऑयली हो गए।
इसके बीच में मैं इस तरह से डिवाइड करूंगी, पाउडर डाला एंड जस्ट स्मूथ, बाउंस भी आ जाएगा, हेयर भी अलग हो जाएंगे और ऑयल भी निकल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पाउडर, जब भी आप कैरम खेलते हो तो कैरम को स्मूथ करने के लिए क्या करते हो, पाउडर डालते हो ताकि जो भी ऑयल टेक्सचर है वो निकल जाए और स्मूथली आप खेल सको। सेम एज ऑन हेयर, जब भी आपके हेयर टेक्सचर ऑयली हो गए हैं, पाउडर करो, स्प्रे करो, स्मूथन करो, वापस से आपका हेयर टेक्सचर आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए रेडी हो जाएगा, बाउंस भी आ जाएगा। दिस इज दी वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ड्राई शैम्पू फॉर ऑयली हेयर, ऑयली हेयर आप ड्राई शैम्पू यूज कर सकते हो। शैम्पू का मतलब पानी में धोने का नहीं है, ये पाउडर फॉर्म है, डायरेक्टली ड्राई हेयर पे यूज करना है। इट्स कंपनी नेम इज बटिस्टे, ये कंपनी का नाम है। ओके, फिफ्थ प्रोडक्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट इज जेल। दिस इज माय निर्वेल जेल, इट्स स्टिकी जेल, स्टिक टू स्टिक फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, एक स्टिक फॉर्म में आता है, तो दोनों भी यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निर्वेल जेल, इट्स अ लिक्विड फॉर्म, और एक स्टिक फॉर्म में भी जेल आता है। सी दिस इज द स्टिक फॉर्म, इसका फॉर्म देख रहे हो आप, स्टिकी है। अगर आप ये यूज करोगे हेयर में आप कुछ काम नहीं कर सकते। अभी मेरा फ्लैट है, मुझे उसको चिपकाने के लिए अगर यूज करना है, फ्लैट के लिए यूज करना है, तो मैं ये यूज करती हूँ। जनरली ये आप देखोगे तो जेंट्स लोग ज्यादा यूज करते हैं ऊपर के लिए, ऊपर बाल स्टिकी रखने के लिए, या सभ्यसाची जैसे फ्लैट लुक चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला कोम में मैं ऐसे देके इसको मैं इस तरह से प्रेस कर सकती हूँ, जिससे मेरे हेयर एकदम फ्लैट स्टिक हो जाएंगे। इसके बाद आप उसको मूवमेंट नहीं कर सकते हो हेयर को, और मूवमेंट होगी नहीं, इसीलिए जेंट्स लोग ऐसे स्पाइक करने के लिए, खड़ा रखने के लिए जेल यूज करते। बट अभी मेरे को कुछ वेरिएशन लाइक ब्रेड करना है, मेरे बालों में ब्रेड बना के, अब ब्रेड में क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि ब्रेड में अब मैं स्प्रेडिंग कर सकती हूँ, मेरे टेक्निक को मुझे यूज करना है, तो मैं ये वाला जेल यूज करूंगी, जिससे इजीली, सी दिस इज दी टेक्सचर, आप इसका टेक्सचर देख रहे हो, वेरी लिक्विड। अब मैं जैसे जैसे स्मूथ करूंगी, इट्स नॉट स्टिकी, तो मैं मेरे बालों में लगा के जो मेरे बेबी हेयर भी रहेंगे ना, वो भी स्टॉप हो जाएंगे और मेरी स्प्रेडिंग भी इवनली स्प्रेड होगा। तो मैं ब्रेड के बाद यूज कर सकती हूँ, लगाते लगाते इसको मैं ब्रेड में कन्वर्ट करूंगी और फिर ब्रेड को मैं स्प्रेड कर सकती हूँ। ये काम सिर्फ और सिर्फ जेल करेगा, ना कि आपका शाइन स्प्रे करेगा। शाइन स्प्रे आपका सिर्फ 50% चिपकाएगा, और फिर आपका जो अगर स्प्रेडिंग के वक्त बेबी हेयर बाहर आते हैं उसका कोई सलूशन नहीं है। ब्रेड को स्प्रेड करने के बाद अगर जो बाल टुकड़े टुकड़े बाहर आते हैं तो कोई सलूशन नहीं। इससे बेटर है आप पहले से ही हेयर, जब मैंने लिया मुझे ये पार्ट में चोटी बनानी है, ऐसे फॉलिक चोटी या ब्रेड बनानी है, तो पहले मैं शाइन स्प्रे करूंगी या फिर निर्वेल जेल लेके इस तरह से लगा दूंगी, कोम कर दूंगी, और फिर मैं मेरी ब्रेड बना के स्प्रेड करूंगी, तो एक भी बेबी हेयर बाहर नहीं आता है। और दूसरी बात ये होती है कि मैं जब कर्ल्स करती हूँ, अभी कर्ल्स को हम मेसी लुक या बोलूं डाउन में बैकवर्ड साइड इतना बड़ा कर्ल्स किया है, सॉरी अभी जो ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए भी हम एक 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 इस तरह से ऐसे, तब भी आप ये कर्ल्स के लिए भी आप ओपन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ताकि फिनिशिंग में कर्ल्स ओपन हो और उसकी जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ये दो चीजें आगे मेसी के लिए किस तरह से यूज होता है, ब्रेड में किस तरह से होता है, बैक में कर्ल्स में ओपन करने के लिए किस तरह से, तीन चीज के लिए यूज होता है, वो हम प्रैक्टिकली जब हम वेरिएशन दिखाऊंगी तब मैं इसका यूज भी बताऊंगी कि किस तरह से यूज है और क्यों जरूरी है, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। सो दिस इज द टू प्रोडक्ट ऑफ जेल, वन विच इज स्टिक फ्रॉम एंड वन विच इज लिक्विड जेल फ्रॉम। लिक्विड अगर आपके पास स्टिक नहीं भी है, अगर आप ज्यादा करके वुमेन्स में ही वर्क करते हो, दिस इज दी वन ऑफ दी बेस्ट, इससे भी आप फ्लैट लुक कर सकते हो, ठीक है, वो फिर स्टिक वाला रखने की जरूरत नहीं होगी आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट